not be the same. A few people laughed. A few people cried. Most people were silent. 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट के डेजर्ट में एक धमाका होता है। अब ये कोई आम धमाका नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था कि कोई एक कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म कर रही थी। इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया गया था ट्रिनिटी और इस प्रोजेक्ट के लीड थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या ओपेनहाइमर एक अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान थे, और कैसा उन्हें लगा था जब उन्हें पता चला कि उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी यानी कि एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि क्यों आपको रिसेंटली रिलीज्ड मूवी ओपेनहाइमर देखना चाहिए जिसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, वो उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिन्होंने वर्ल्ड के फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे। अब बात है अगस्त 1939 की, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सेलर्ड ने अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने वॉर्न किया था कि हिटलर ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहे हैं एंड चांसेस आर वेरी हाई कि वो उसमें सक्सेसफुल हो जाए। ये लेटर मिलते ही रूजवेल्ट ने एक कमेटी फॉर्म करी जिसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूडेड थे, जिनका काम था ये रिसर्च करना कि क्या यूरेनियम के थ्रू एक न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। इस कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को फंड करना शुरू कर दिया था। अब होता यह है कि अर्थ पे जो यूरेनियम पाया जाता है उसे U-238 आइसोटोप कहते हैं, लेकिन इससे न्यूक्लियर वेपन नहीं बन सकता था। लेकिन उसी में लेस देन 1% होता है U-235 आइसोटोप जिससे न्यूक्लियर वेपन बन सकता था। तो इसीलिए साइंटिस्ट के सामने ये एक चैलेंज था कि कैसे U-238 से U-235 बनाए न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए। इसी रिसर्च के दौरान दिसंबर 1940 में एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर होता है जिसे साइंटिस्ट ने माना था कि इसके थ्रू भी एक न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम था प्लूटोनियम। अब ये रिसर्च चल ही रही थी कि 7 दिसंबर 1941 को जापान US के पर्ल हार्बर पोर्ट पर अटैक करता है, और ये अमेरिका के लिए एक ऑफिशियल एंट्री थी वर्ल्ड वॉर टू में। उस टाइम पे ये बात बहुत क्लियर हो गई थी कि ये जो साइंटिफिक मिशन है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, ये अब साइंटिफिक मिशन नहीं था, ये एक मिलिट्री मिशन बन गया था जिस पे अमेरिका ने $2.2 बिलियन खर्च किए थे। अटैक बाय जापान ऑन संडे दिसंबर 7, 1941, ए स्टेट ऑफ वॉर has existed between the United States and the Japanese Empire. American President Roosevelt ने year 1942 में Project Y for Nuclear Weapons को अप्रूवल दिया और साथ ही साथ $500 मिलियन भी फंड किए। उसी साल सितंबर में कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रूव्स को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाता है, और हेड बनते ही कर्नल ग्रूव्स ने डिसीशन लिया कि इस प्रोजेक्ट के एटॉमिक बॉम्ब के डिज़ाइन के लीड होंगे ओपेनहाइमर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे साइंटिस्ट के सामने ये एक चैलेंज था कि U-238 से U-235 आइसोटोप बनाना है, इसीलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो चार टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट करेंगे, यानी कि गैशियस डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूज और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। अब ये चार टेक्नोलॉजीज़ में से सिर्फ दो टेक्नोलॉजीज़ यानी कि गैशियस डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कुछ हद तक सक्सेसफुल रहीं। अब अगर आप इन दो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में मैं इतना कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दूंगा, आप चाहें तो उन्हें रेफ़र कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज़ कैसे काम करती हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे इस रिसर्च के दौरान प्लूटोनियम डिस्कवर हुआ था, अब लेटर ऑन साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि प्लूटोनियम एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम 235 ज़्यादा रेडियो एक्टिव और ज़्यादा फैशनेबल है। इसीलिए डिसाइड होता है कि दो एटॉमिक बॉम्ब्स बनेंगे। पहला होगा जो यूरेनियम 235 से बनेगा, उसे नाम दिया जाएगा लिटिल बॉय, और दूसरा होगा जो प्लूटोनियम 239 से बनेगा, उसे नाम दिया जाएगा फैट मैन। अब बारी थी इन बॉम्ब्स को डेवलप और डिज़ाइन करने की। जनरल ग्रूव चाहते थे कि एक ऐसी लोकेशन चुनी जाए जो कि आइसोलेटेड हो ताकि दुनिया के लिए एक सीक्रेट बना रहे। ओपेनहाइमर ने उन्हें सजेस्ट करी थी पीको वैली न्यू मैक्सिको में। इस पॉइंट पे आते आते ओपेनहाइमर की एबिलिटी से जनरल ग्रूव्स इतने ज़्यादा इंप्रेस थे कि वो चाहते थे कि ओपेनहाइमर इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर यानी कि लीड बन जाएं। उन्होंने ये भी कहकर उन्हें सपोर्ट किया कि
वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत असेंशियल है और उनके बिना ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जुलाई 1943 में ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीड यानी कि डायरेक्टर बना दिया गया। ओपनहाइमर ये मानते थे कि इस टेक्नोलॉजी को एक्चुअली एक बॉम्ब में डालने के पहले टेस्ट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने जनरल ग्रूव से परमिशन ली और फाइनली ट्रिनिटी टेस्ट कंडक्ट किया गया न्यू मेक्सिको के डेजर्ट में। इस टेस्ट बॉम्ब को नाम दिया गया गैजेट, जिसमें 13 पाउंड्स ऑफ प्लूटोनियम था। साइंटिस्ट ने गैजेट को एक 100 फीट ऊंचे स्टील टावर पर लटका दिया था जहां से इस बॉम्ब को गिरना था। 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे ये बॉम्ब डेटोनेट होता है। ये बॉम्ब ओपनहाइमर की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकला। ये बॉम्ब इतना पावरफुल था कि वो जो स्टील टावर जिस पे गैजेट लटकाया गया था वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो गया था। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक माइल्डली रेडियो एक्टिव ग्रीन कलर ग्लास फॉर्म हुआ जिसे नाम दिया गया ट्रिनिटाइट। ओपनहाइमर इस बॉम्ब ब्लास्ट से बहुत शॉक्ड थे। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस एक्सप्लोजन का साइज अराउंड 0.3 किलोटॉन्स ऑफ टीएनटी होगा, लेकिन रियलिटी में ये बॉम्ब ब्लास्ट उससे 50 गुना ज़्यादा यानी कि 15-20 किलोटॉन्स ऑफ टीएनटी था। इस बॉम्ब ब्लास्ट की शॉक वेव्स लगभग 160 किलोमीटर तक फील करी गई थी। इसके बाद एक मशरूम क्लाउड फॉर्म हुआ जो कि आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर तक गया। ये सब देख के ओपनहाइमर के मुंह से भगवत गीता में लिखी हुई लाइंस दोहराई गई। Now I am become death, the destroyer of worlds. अब आप सोच रहे होंगे कि ओपनहाइमर का क्या रिएक्शन था जब ये बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए। वेल, शुरू में उन्होंने अपनी खुशी जताई थी, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल नाजी जर्मनी और हिटलर के अगेंस्ट हो। लेकिन जब दूसरा बॉम्ब नागासाकी पे गिराया गया तो वो एक शॉक स्टेट में चले गए थे। उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ था। उन्होंने इमीडिएटली सेक्रेटरी ऑफ वॉर के साथ वॉशिंगटन में जाके मीटिंग करी थी और अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर उन्हें दिया था। उस लेटर में ये मेंशन था कि न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें चिंता थी फ्यूचर की। उन्होंने ये भी लिखा था कि उन्हें रिग्रेट है कि इस टेक्नोलॉजी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्हें ये भी चिंता थी कि आगे जाके मल्टीपल कंट्रीज इस एटॉमिक बॉम्ब का क्या क्या इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी कंसर्न के चलते हुए ओपनहाइमर ने आगे जाके यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ भी काम किया इन न्यूक्लियर अटैक्स को रोकने के लिए। वो चाहते थे कि इन न्यूक्लियर वेपन्स पे एक कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाए। 1949 में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इस कमीशन को अप्रोच किया एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए। ट्रूमैन चाहते थे कि अमेरिका हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए, लेकिन ओपनहाइमर ने इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली अपोज किया और इसी के चलते उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जॉब लॉस के बाद ओपनहाइमर ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे एकेडमिक प्रोफेशंस किए और साथ ही साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड लेक्चर्स भी दिए। उन्हें 3 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी जीत नहीं पाए। इन द ईयर 1965 उनकी डेथ होती है ड्यू टू थ्रोट कैंसर एट द एज ऑफ 62, जो कि शॉकिंग नहीं है क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ वो एक चेन स्मोकर थे। नाउ दैट यू नो द बैक स्टोरी ऑफ ओपनहाइमर, हम बात करते हैं कि अभी जो रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है ओपनहाइमर बाय क्रिस्टोफर नोलान, आपको क्यों ये मूवी जाके देखना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मूवी डायरेक्ट करी है क्रिस्टोफर नोलान ने। क्रिस्टोफर नोलान इज द मास्टर माइंड बिहाइंड ब्लॉकबस्टर हिट्स लाइक इंसेप्शन एंड द डार्क नाइट ट्रिलॉजी। नोलान सिग्नेचर स्टाइल ऑफ माइंड ब्लेंडिंग स्टोरी टेलिंग एंड ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स यहाँ पे आपको कम्प्लीटली दिखेंगे और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आप अपनी लाइफ में कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। सेकेंडली हम कास्ट की बात करेंगे। ये एक स्टार स्टडेड मूवी है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल प्ले किया है सिलियन मर्फी ने, हु इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फेमस एंड पॉपुलर रोल थॉमस शेल्बी फ्रॉम द सीरीज पीकी ब्लाइंडर। नाउ सिलियन मर्फी हैज ब्रॉट दिस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर टू लाइफ विद शीयर ब्रिलियंस, नॉट टू मेंशन द सपोर्टिंग कास्ट हु हैज डिलीवर्ड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज दैट विल लीव यू स्पेल बाउंड। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की, विच इज अ कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड ऑफ ओपनहाइमर वेयर हिस्ट्री ड्रामा एंड साइंस फिक्शन यूनाइट। क्रिस्टोफर नोलान वीव्स अ मेस्मराइजिंग टेल अराउंड जे रॉबर्ट ओपनहाइमर द फिजिसिस्ट बिहाइंड द एटॉमिक बॉम्ब। इस मूवी की ब्रेथ टेकिंग सिनेमाटोग्राफी और माइंड बेंडिंग स्पेशल इफेक्ट्स इस मूवी को एक विजुअल स्पेक्टेल बनाते हैं बिग स्क्रीन के लिए। म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक प्रोड्यूस किया है हैंस जिमर ने, जिन्होंने पहले भी कहीं पॉपुलर मूवीज के म्यूजिक को कंपोज किया है जैसे कि इंटरस्टेलर, ग्लैडिएटर, इंसेप्शन, ड्यून, ड्यून पार्ट 2 एंड मेनी मोर। सो देयर यू गो गाइस, अगर आपके प्लान्स हैं एक नई मूवी देखने के लिए देन ओपनहाइमर इज अ मस्ट फॉर यू। प्लीज डू नॉट मिस दिस मूवी, मेक श्योर यू वॉच इट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ड्रॉप इन द कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।